हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। सो अभी हम लगा रहे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मिनी मॉक टेस्ट, यानी टेस्ट बुक पर अभी लाइव है। आप लोग भी अगर लगाना चाहते हो तो सबके लिए फ्री है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट बुक यहां पे लगा सकते हो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। आप लोग भी बताना आपका क्या स्कोर रहा। ये कुछ हैं, 2, 4, 6, 8 सिटी ऑन द स्टेट टेबल फेसिंग द सेंटर, इनसे 4% फेसिंग द सेंटर, सभी के सभी सेंटर में देख रहे हैं। 4% कॉर्नर एंड 1% इन मिडल। थ्री, ठीक है, थ्री शिफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर आर हो इस मिडल ऑफ द इन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर और वन ऑफ द मिडल सर। क्यू डज नॉट फिट एनी कॉर्नर, कॉर्नर पर क्यू आया था नहीं तो क्यू इधर हो सकता है या फिर क्यू इधर। और क्या है, क्यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी 1 2 3 या फिर 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस ऑफ डब्ल्यू इमीडिएट नेबर, सो क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। टू और टी ओनली 3% बी और डब्ल्यू, बी एंड डब्ल्यू एस ऑफ डब्ल्यू एक साथ होंगे तो इसमें है नहीं। क्यू और टी, टी इधर आ जाएगा, टी क्यू आर एस टी यू रह गया, इधर आ गया पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द टी 1 2 3 4 टू द लेफ्ट या फिर राइट। हाउ मेनी परसेंट सिक्योरिटी राइट ऑफ टी, क्यू और टी राइट ऑफ टी 1 2 2 5। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू 1 2 3 एस 4% ओके यू टी वी क्यू गलत आ जाएगा। Q is related to R in the same manner T is related to U. 5 8 3 5 7 4 8 3 every even digit is replaced by the digit immediately preceded. Okay, either 7 3 फिर 7 दाया 4 digit is immediately followed 6 4 6 8 4 and what will be the product of the second digit from the left hand and the fifth digit from the right side से 42। तो ये है मैं आपको बता देता हूं कि फोल्ड द, ठीक है, फोल्ड द लेटर आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू, लेटर्स आर अरेंज लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड दैट दे वुड अपीयर इन द, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव द लेटर दैट विल बी रिमेन्स their actual places after that ये नहीं होगा। तो left to right करना A B C पहला सही है and O P आता ही है ना इसके लिए G H I J ये भी ठीक है, T S T ये भी ठीक है, L M N O P Q ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारे बिल्कुल ऐसे कैसे। R is added to the beginning, rank एक हो गया, ये नहीं बनेगा। rest तो 2 है जो कि meaningful word है। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड लेटर सेकंड वर्ड वो हो गया 15, वो सेकंड लेटर फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड लेटर पी ओ पी एक भी नहीं आएगा। थर्ड लेटर सेकंड वर्ड ये हो गया, सेकंड लेटर फर्स्ट वर्ड पी। इफ ऑल द कंसोनेंट आर चेंज्ड टू द the letter which is immediately following and vowels are changed to immediate preceding, then how many, then which of the following words have at least one vowel? कम से कम एक vowel तो होना चाहिए। R A consonant का A का B हो जाएगा, एक लेकिन A का Z, C D, J A का A फिर L हो गया, तो at least one vowel नहीं है। C D and not P Q ये भी नहीं बनेगा, G H I ये हो गया, D आ गया, P Q R S T T U तो 2 आ गया, J K L M P Q U V W X फिर Y, तो ये भी नहीं बना। तो 2 ही है जो कि तो 2 कौन कौन से, ई एस टी, ई एस टी
ये तो इसमें है ही नहीं। All the consonants are changed to the immediately following and vowel are changed to the previous, सही तो किया मैंने। Then which of the following have at least one vowel? DTU कहाँ से आ गया अभी? DTU तो वर्ड ही नहीं इसका। अच्छा वर्ड क्या बनेगा वो पूछा है, एक तो DTU होगा ठीक है भाई। और क्या है? डी टी ए बी सी डी एफ जी एच एच आई और जे का फिर जे के क्यू आर एस टी ये बनेगा ठीक है ठीक है। फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ इंटरचेंज एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर एंडिंग विद वो वर्ड्स? एक दो है, एट मेंबर है जो कि, और तीन में तीन कपल है, थ्री जनरेशन ए और बी आर द कपल हैविंग ओनली थ्री चिल्ड्रन। Be couples having only three children. दो तो डॉटर हैं और एक है सन। D is the only brother of E. D is the only brother of E. He is the sister of G. I think ये बनेगा। Only D is the only brother of E और इधर G ये बनना चाहिए ऐसे। C is the sister-in-law of G. जी हु इज अनमेरिड ठीक है एंड मदर ऑफ एच ये अनमेरिड है एंड मदर ऑफ एच सी जो कि मदर ऑफ एच है ठीक है। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ, ए फादर इन लॉ है। इधर हम ये जी बना देते हैं ठीक है ये टी। तो इसने क्या बोला? ए इज द फादर इन लॉ, ये हमारा है डी, इधर है जी। देर आर ओनली थ्री मेल्स, एक दो तीन हो गए, तो इधर ही फीमेल। हाउ एच इज रिलेटेड टू द ए? एच इज, एक सेकेंड, इधर ए इज अ फादर इन लॉ एफ आई वाई। हाउ एच इज रिलेटेड टू द ए? एच ग्रैंड डॉटर। हाउ डी इज रिलेटेड टू द एफ? डी और एफ आई डी जो है वही ब्रदर इन लॉ। How F is related to the G? ये भी brother in law. Only sorry few orchid are not tulip or only a few rows. गलत बना दिया. It is not the tulip. Only a few lily is tulip. Only a few rows is lily. No, is really नहीं पता। Some rose being tulip is a possibility, हो सकता है। Only second, only a few Z is A, only a few A is T, no T is B. Some Z can be T, Z can be T, some A can be B, ये भी ठीक है। तो both one or two, all A are B, some B is C, only a few C is E, some E can be A, E can be A सही है, some E can never be ये हम नहीं बता सकते। ओनली वन सॉरी टू आएगा और इसमें फोर डिस्क्रिप्शन, फोर का यहाँ पर सिर्फ एक में ही है। तो ओ आर हो सकता है, ओ आर टी बी एक्स ए ओ एन, ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन वन, डिस्क्रिप्शन का एक ही है तो टी बी एक्स ए, एक्स ए नहीं होगा, ई एन, ई एन और फिर ई एन हो जाएगा, ओ आर ई एन। टेक्स्ट बुक का एक दो, एक दो और एक तीन, तो इसमें है एम एन होगा, डी एस 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 और टी वी हो गया, टी वी। लॉगिन का लॉगिन एक इसमें है और दूसरा है सिर्फ इसमें, तो एस एस ओ एन, ओ एन हो सकता है, टी वाई और एस नहीं होगा। लॉगिन प्रोसेस, प्रोसेस इन दोनों में है, एस एस, एस एस हो सकता है, पक्का एस एस ही मिलेगा ये, ओ एन ई वाई और ठीक है, ओ एन और एस एस। तो ये तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ द, इसको छोड़ो पहले ये करते हैं, 165। तो पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 24
14 गया तो बच गया 10, 10 और यहाँ से है 56 डिवाइड बाय 8, 7, 7 माइनस 10 माइनस 3, माइनस 3 बाहर जाके प्लस हो गया 138, माइनस ऑफ 138 यहाँ से जाएगा तो 25, 26, 27 आगे इसका 75 डिवाइड बाय 3 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 85, 17 आ गया 5, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 9, 2, 25, 25 में से 9 जाएगा 12 आएगा 16, 25x प्लस 576 डिवाइड बाय 6 तो 8 छुप नहीं 9 छुप 54 और फिर 9 छुप 54 आ गया 3, 6 6 से 36 तो 884 डिवाइड बाय 4 221 आ गया, यहाँ से 96 जाएगा तो 5 और 11 2 125, 25 5 आ जाएगा 108 फिर 36 है तो 8 6 48, 48 यहाँ से आया 4 फिर ये और ये तो 8 या 24 25 26 27 28 2 यहाँ से आया 6 7 8 3 और यहाँ पर कितना है 9 चौक 36 82 5 3 फिर है 57 27 तो 49 का 9 4 और 7 पंजे 35 45 7 दूनी 14 3 आ गया 3 4 5 10 15 15 30 9 7 6 0 5 5 0 6 7 यहाँ पे है 2 3 फिर 4 होना चाहिए था ना, 4 की 12 नहीं ये तो नहीं हुआ भाई, इंटू 2 इंटू 3 2 3 फिर 5 ठीक है 5 है 2 3 5 7 7 15 7 ये गलत हो गया 135 होता है ना, 15 7 105 सॉरी 105 होता है ये गलत हो गया, फिर इंटू 1 प्लस 1 इधर इंटू 2 है और इधर इंटू 3 होना चाहिए 48 इंटू 3 तो 144 होगा लेकिन ये तो नहीं किया इसने, तो 49 50 करते हैं प्लस 2 आएगा इधर 40 की जगह 50 आएगा फिर 3 इंटू 3 ऐसे चलेगा, यहाँ पर प्लस 19 प्लस 36 37 फिर यहाँ पर कितना बनेगा ये 40 65 और 69 यहाँ पर है 3 8 देख 9 फिर प्लस किया तो इधर कितना बना 15 5 2 7 और इधर 2 और 1 फिर प्लस 14 में से 5 या 9 और इधर कितना बनेगा 16, अगला देख लेते हैं 17 और 18 यहाँ पर कितना है 2 और 3 ये तो कुछ 1 सेकंड क्यूब चल रहा है शायद से, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 का क्यूब प्लस 2 3 का क्यूब प्लस 3 4 का क्यूब नहीं है 5 का क्यूब है सीधा 2 का 2 हो गया 3 का 27 प्लस 2 4 का क्यूब प्लस 2 5 का गलत है फिर 6 का 200 बड़ा ठीक है एवरी ईयर द हेल्थ डिपार्टमेंट कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 पीपल अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन द ईयर 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 और इनमें क्या है द परसेंटेज ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय द डेंगू अफेक्टेड लिख लेते हैं इधर अफेक्टेड वही यहाँ पर हमारा 40% तो 400 225 है फिर 300 गए रिस्पेक्टिवली हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो फाउंड दैट द एवरी ईयर आउट ऑफ द अफेक्टेड पीपल 70% वर स्टूडेंट हाउस वाइफ और एम्प्लॉय स्टूडेंट हाउस वाइफ और एम्प्लॉय द
The number of the student every year. सत्तर परसेंट है ना, 728 और ये है 40, 4 8। आगे देखते हैं, इन द ईयर 2017 द नंबर ऑफ द हाउस वाइफ इफेक्टेड बाय द डेंगू, डेंगू हाउस वाइफ जो है 10% है, ये 20 17। तो 2017 में 10 हो जाए तो 20 20 आना चाहिए ना। हाउस वाइफ तो 10% है। Also found that out of the affected people, 70% were student, 10% housewife. अफेक्ट तो यही हुए, एक बंदा 16 45 है, ओके 17 का ही है, सॉरी सॉरी, तो 45 आ जाएगा ये। मैं ऊपर वाला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड डेंगू इन 2016 16 में डेंगू से इफेक्ट होने वाले स्टूडेंट है साल में 1400 1400, तो ये हो गया। अब 1000 में से 20 20 40 और स्टूडेंट जो है 20 7/2 500 है, 500 में से या 360 आना चाहिए, टोटल है 1000 स्टूडेंट जो है 20 20 40। तो 360 आ गया ना, तो इनके बीच का डिफरेंस 140 जीरो दो दो 220 आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसवाइफ अफेक्टेड बाय द डेंगू, हाउसवाइफ अफेक्टेड बाय द डेंगू 2015 40 टू द टू दैट ऑफ अफेक्टेड बाय द डेंगू 2018 10% होगा, 4:3 आएगा इसका, 4:3 तो है नहीं। नंबर ऑफ द हाउसवाइफ अफेक्टेड बाय द 15 और 15 और 18 15 में 4 हो गया, 4:3 आना चाहिए। नेगेटिव 16 64 16 4 हो गया, और यहाँ पर 5 × 2 11 तो 22 और 5 आ गया, कुछ भी नहीं बनेगा ये। प्लस 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 11 3 5 2 5 15 11 2 22 22 15 195 5 पर गया, 3 आ गया और फिर 9 13 3 15 और 13 तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, माइनस 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 4 3 5 2 5 के 20 नहीं 5 × 10 और 12 100 इधर आ गया, 120 ही आ गया, 5 2 6 और 2 और 6 × 12 नहीं बनेगा, 3 लेना पड़ेगा, तो 2 5 3 15 2 × 4 4 × 8 तो ये बनेगा 15 और 8। तो यहाँ से हमारा वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ द बॉयज और टोटल स्ट्रेंथ ये है, और गर्ल्स इन होल, तो गर्ल्स ऑफ ए बी सी डी ई यहाँ पर 350, नेक्स्ट है 400, मिले हैं 300, इधर 600 गया 900, 300 3 3 6 3 9 9 2 18 19 20 21 22 22.5। और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 450। इफ इन स्कूल एफ नंबर ऑफ द बॉयज 10% मोर देन द बॉयज इन बी, बी में बॉयज हैं ये 500 550 हो जाएगा। एफ में द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स एफ 11 8 5 8 45 400 टोटल स्ट्रेंथ 950। रेशियो ऑफ द गर्ल्स ए और बी टुगेदर, गर्ल्स ए और बी 0 5 7 तो द नंबर ऑफ द बॉयज इन डी और ई टुगेदर, बॉयज जो कि डी और ई 1000 तो 3:4 आ गया। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 25,000,
आफ्टर 4 मंथ वाई जून 50,000, फिर टेंथ लेने के लिए तो ये हो गया, और इधर 12, ये हो गया 2, 4 आ गया 6, 3 और 4 आ गया इसका 3:4, 5:10 फिल ए टैंक इज फिल्ड इन 2 आवर बाय 3 पाइप्स ए प्लस बी प्लस सी 2 आवर्स, और ए इज साइज एज फास्ट एज सी, और सी इज एज फास्ट एज ट्वाइस फास्ट एज बी, तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, इनकी आ गई है, तो यहाँ से ए आ गया हमारा 6, ये आ गया ठीक है, तो फिर 6 सात आठ नौ, और पूछा किसका है बी का, तो बी 9 दुनिया 18 घंटे, तो यहाँ से 2 रह गए, तो एवरेज होगा एवरेज वेट ऑफ द टीम इज ऑफ 10 प्लेयर्स, तो टोटल हो गया 300, तो इफ द वेट ऑफ द कोच ऑफ द टीम इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स कितना, यानी कि 11 35 का 5 8 3, कोच का हो गया 85, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना और इतना रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दिस और दिस, तो 2 7 5 8 18, लेंथ जो है 2 4 फिर 2, टाइम बताना है इसका 18 4 5 20 आ गया, 10 मान लेते हैं 1 2 1, 12.8 ये तो हो गए भाई हमारे, 12.8 आएगा ना, ये तो सबमिट कर देते हैं, अभी भी 1 2 मिनट बाकी है, बस गलत ना हो यार क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा गलत हुआ होगा पता नहीं, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करना है एंड बताना गाइस मेरा कौन सा गलत हुआ है, एंड आप लोग भी बताना आपका क्या स्कोर है मॉक टेस्ट में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।